हो रहा है और आसाम तो पूरा पानी पानी हो गया हर जगह। अब ये अरे मत भूलना इधर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये देखिए मैं आज बनाने जा रही हूँ एक करी। और एक करी के लिए मैंने ऑनियन, जिंजर, गार्लिक और टोमेटो और थोड़ा साथ उसमें 2 या 3 रेड चिल्ली लेके उसको फ्राई कर लिया है। इसको मैंने ग्राइंड करके मिक्सचर बना लूँगी, फिर उसका मैं करी बनाऊँगी। तो आज मैं पार्लर नहीं गई थी, घर में ही थी, मेरी डॉटर की एग्ज़ाम है साथ में ही। बहुत ही बाहर ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, असम की सिचुएशन तो एकदम ख़राब है, हर तरफ फ्लड ही फ्लड है। और शायद मुँह ऑलरेडी आ गई है, इसलिए मैं फटाफट खाना बना रही थी क्योंकि आते ही ना उसको भूख लग जाएगी। और ये देखिए मुझे पता चल गया क्योंकि सेमी ना उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसको पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है। मैं अगर घर में रहूँ, कोई भी हमारे घर में कोई भी मेंबर हमारे घर के आए ना घर में, फर्स्ट उसको पता चलता है। और ये देखिए आते ही ना पूरा मुंह के ऊपर वो गिर जाएगा। और इधर मैंने खाना भी बना रही हूँ क्योंकि ना मुझे पता है आके ही बोलेगी मुँह कि उसको भूख लग रही है। और थोड़ी देर उसको रेस्ट करके पढ़ना भी पड़ता है क्योंकि एक दिन की भी छुट्टी नहीं थी उनकी रूटीन में। लेकिन जो सैमी की हरकत है ना उसको दिखाए बगैर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बीच में कैमरा उधर भी दिखा रही थी। और ये देखिए मैंने ना लहसुन, प्याज और क्या बोलते हैं जिंजर सबको फ्राई कर लिया था ना टोमेटो के साथ, उसका मैं अभी पेस्ट बनाऊंगी। और इधर इन लोगों का ना खेल पूरा जारी है और इस तरह से ही हमेशा हमारे घर में होता है। और वो ना हम कहीं भी बाहर से आए वो तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है, जैसे बहुत सालों से हमको नहीं देखा है। और इधर मैंने एक को फ्राई कर लिया है, आज ना सिर्फ एक ही एक था तो सोचा ना हम सिर्फ 2 है तो उसके साथ ही एक करी बना लेती हूँ। और ये देखिए इलायची, जीरा, और अगर आप लोग चाहे तो ना उसके साथ लौंग, दालचीनी सब डाल सकते हैं। लेकिन मुझे ना इतना देर हो रही थी क्योंकि मुँह आके बोली थी खाना हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, तो मैं फटाफट खाना कैसे बनाऊँ यही सोच के जैसे वैसे जो भी है उससे ही काम चला रही थी। और इसको फ़ोरन लगा के मैंने अपने जो ग्राइंडर में मिक्स किया था उसको मैंने मिक्सचर को दे दिया है अच्छी तरह से। मुझे मैंने ग्राइंड भी नहीं कर पाई थी क्योंकि ना लेट हो रही थी, तो जितना हो सका है उतना ही ग्राइंड कर लिया था। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से पूरा मसाला को ग्राइंड कर लेंगे तो इतना ज़्यादा उसको हिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज मेरा मसाला अच्छी तरह ग्राइंड नहीं हुआ, कुछ नहीं घर में ही हम दोनों के बीच में ही खाना है, तो मैंने अभी थोड़ा सा पानी डाल दिया है और एक को भी डाल दिया है, फिर उसमें ही मैं उसको पकने दूंगी। और मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि कैसे उसको खाना दूँ, इसी बात में मैं लग रही थी। तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से जो आपका मसाला ना है ना उसको अच्छी तरह से आप लोग जरूर भून लीजिए। और ये मैंने कल रात को ना मैं आम की चटनी जैसे बनाई थी, आम की जेली बोल सकते हैं आप लोग, फ्राई करके फिर बहुत ही अच्छा लगा था। कल थोड़ा आज रह गया था, मैंने सुबह रोटी के साथ भी खाई तो डॉक्टर बोल रही थी कि थोड़ी सी है तो मम्मी दीजिए, तो ना हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा लगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता इसका, थोड़ा सा हो जाए ना उससे ही अच्छा लगता है। राइस हो या रोटी हो थोड़े से ही काम चल जाता है। बारिश का मौसम है ना, बारिश तो रुक ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इतना बारिश आ रहा है, रोज़ बारिश ही बारिश। और ये देखिए मैंने सुबह ही आज घर को ना पूरा डीप क्लीन कर लिया था और अभी धूप लगा रही हूँ क्योंकि ना जब मुँह आने वाली तो मुझे घर घर साफ करने के बाद ना जल्दी जल्दी उसके लिए खाना भी बनाना था क्योंकि आते ही उसको चाहिए होता है राइस। तो मैंने जल्दी से खाना बनाने के चक्कर में ना आज भगवान के पास तो कुछ भी दिया भी नहीं जलाया, तो मैंने ये थोड़ा सा अगरबत्ती लगा रही हूँ अपने घर में
अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना, अगरबत्ती लगाने से घर का माहौल भी बहुत ही अच्छा होता है। उसके स्मेल से ना घर में अच्छा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में रहती हूँ तो मैं हमेशा नहा धो के घर में ज़रूर अगरबत्ती घुमाती हूँ। और ये देखिए चारों ओर ना पूरा कपड़ा ही कपड़ा है, क्योंकि कपड़े अभी ना सूख ही नहीं रहे हैं। मंदिर के ऊपर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था। आज क्योंकि बारिश की मौसम है तो पूरा उनका फैमिली भी आज घर में ही है, कहीं नहीं गए हैं। तो आज चांस मिला तो आप लोगों को दिखाया है मैंने। बहुत दिन ट्राई किया लेकिन वो लोग ना जब तक सुबह के बाद वो लोग रहते ही नहीं थे घोंसले में। और ये देखिए कितना अच्छा प्यारा फैमिली है उनका, अच्छा लगता है ना देखने में। दोपहर को खाना खा के ना हम दोनों मॉडर डॉक्टर थोड़ी देर रेस्ट किया, सो गए। फिर अभी उठ के मैं थोड़ा सा शरबत पी रही थी, क्योंकि चाय पीने का हैबिट मेरा अभी अलग हो गया है। 7:30-8 बजे शाम को पार्लर से आके ही मैं चाय पीती हूँ। सेमी बाहर तो से नहीं, सेमी आ बिदोला आ जुद्ध लगे बोले साढ़े बन लगे आ আহিলি নাই মানে অকল খালি বাইরের জুতা করি বানাওগি और ये देखिए हमने प्याज कट कर लिया है। और अभी ना मेरे घर में भी मेरी मिर्च लगे हुए हैं, तो मैं आज घर की मिर्च से पकौड़े बनाऊंगी। ओ वही से और ये देखिए वाइट रोज़ कितना अच्छा लग रहा है। जब उसकी कली निकलती है ना वो बिल्कुल पिंक पिंक होता है, पूरा वाइट रोज़ भी नहीं है ये, वाइट पिंक मिक्स है। आई भी ने कीनो सार हो ऐसे आ तो ये। और ये देखिए मेरी जो गार्डन है वहाँ में मिर्च भी लगे हुए हैं, कितने प्यारे हैं घर के मिर्च। आज मैं पकौड़े बनाऊँगी तो पकौड़ों में पकौड़े में मैं ये अपने घर का जो है ना मिर्च वो दूंगी। और ये देखिए मेरे पकौड़े रेडी हो गए हैं, मैंने अपनी डॉटर को भी दे दिया है। और ये है मेरे लिए, थोड़ा सा मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी रख के आया हुआ है। अभी इसे मैं खाऊंगी और देखूंगी टीवी। কান্দুনটো দেখাবলৈ ৰৈছিলে, মোবাইল লোৱাৰ লগে লগে সি কান্দুন বন্ধ কৰে। কাল মুখত চেলেকা ঠাণ্ডা। যিটো কান্দুন জোৰে নহয় সেইটোৱে মোৰ দেখাবলৈ ভাল লাগে। কুকুৰা ডিঙি সেইডাল লৈ দিবাচোন, ইমান কিবা কাপোৰ নথকা মানুহৰ নিচিনা লাগে নিচিনা সেইটো ডিঙি সেইডাল লৈ দিবা। কি হ'লনো ইমান একেবাৰে फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बाहर ना इतना ज़्यादा आज बारिश है, आज नहीं आज पूरा 1 वीक से एकदम बारिश हो रहा है। और आसाम तो पूरा पानी पानी हो गया, हर जगह अभी बंद दे रहे हैं स्कूल कॉलेज, क्योंकि क्या हो रहा है ना, लाइट कम आ रहा है,
क्योंकि ना पानी इतना ज़्यादा फ्लड हो रहा है। गुवाहाटी जो हमारा आसाम की मेन सिटी है वो तो पूरा फ्लड ही फ्लड था रोड। एक्चुअली ये सब ना हम लोगों की वजह से ही हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, कहीं भी कुछ फेंक देते हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, पूरा रिवर वगैरह हमारा एकदम कचरे से भर गया है, तो पानी किधर जाएगा। हम जो करते हैं ना उसी का फल हमें ये जो नेचर है ना हमको दे रहे हैं, लेकिन हमको क्या, हम तो कभी नहीं सुधरेंगे ना। कहीं भी कुछ भी फेंक देंगे, पॉलीथीन फेंकेंगे, प्लास्टिक फेंकेंगे, अपना खाना फेंकेंगे, कचरा फेंकेंगे। तो अभी टाइम आ गया है कि हम ना थोड़ा सा सेफ हो जाएं, हम इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर ले और थोड़ा सा अपनी जो प्लैनेट है ना उसको हम एकदम डिस्ट्रॉय होने से जो हम खुद ही रोक सकते हैं। कैसे, हम अपनी कामों से ना, हम कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं। आप लोग देखिएगा, कोई कुछ चिप्स वगैरह खा के आ रहा है, बच्चा किधर फेंक रहा है, ये किसकी किनको सिखाना चाहिए, मम्मी पापा को ना, कोई सिखाता है नहीं। इधर फेंक दो बोतल, इधर फेंक दो, पानी का नाला है उधर फेंक दो, तो पानी किधर जाएगा अगर नाला पूरा बंद हो गया तो। तो ये सब नेचर की जो ये सब हो रहा है ना, हम खुद ही तो कर रहे हैं ना। और नेचर ना हमको ये, हमको इसलिए नेचर इसकी सजा दे रही है, लेकिन हमको कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग खुद भी कहीं भी कचरा मत फेंकिए, अपने नाले वगैरह को खुद साफ रखिए। हम ऐसे बैठे रहते हैं, रोज़ मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं जैसे बच्चे खेलते हैं, लेकिन घर के पास अगर कोई गंद होगा हम साफ नहीं करेंगे। मेरी तो हस्बैंड ने मुझे ज़्यादा इन सब से इतना, मैं क्लीनिंग करते करते वो तो मुझे पागल ही समझते हैं, बाहर वाले क्या समझते हैं पता नहीं ऐसे ना। लेकिन हमको ना होना चाहिए थोड़ा आसपास में कैसे साफ रखे। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं रखते, वो भी बहुत क्लीन करके रखते हैं। हम अपने आसपास को हम कहीं कचरा नहीं फेंकते हैं। तो आप लोग भी कीजिए और अपनी प्लेनेट को अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए हमको ही सेफ रखना है। तो देखिएगा आज का मेरा व्लॉग, और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं जो ये बातें बोल रही हूँ वो भी आप लोग प्लीज़ इन सब बातों में ध्यान दीजिएगा, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं भी पॉलीथीन फेंक रहे हैं, कहीं भी बॉटल हम खुद फेंकते हैं। मैंने देखा है घर के सामने कोई खाली जगह हो, कोई फेंक के चला जाएगा, उसे कौन सफ़ा करेगा। जो पब्लिक है ना, पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, और हमारी म्यूनसिपल की जो अभी हालत है आप लोग तो जानते ही है कैसे है। तो हम अगर थोड़ा थोड़ा कुछ अपने आप को चेंज करें ना, तो हमारा जो ये सब प्रॉब्लम दूर हो सकता है। तो हमें भी थोड़ा सा अपने आप से कुछ करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग भी सोचिएगा इन बातों पर, कहीं भी अपने बच्चों को कुछ फेंकने मत दीजिएगा और ख़ुद भी मत फेंकिएगा, और चारों ओर ना आसपास को क्लीन करके रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।